बढ़ते अपराध के बीच अब खाके भी सुरक्षित नहीं है। भले ही मंच से लाखों दावे किए जा रहे हैं कि हमने अपराध को खत्म किया है, लेकिन मंच से नीचे खड़ी जनता पूरी सच्चाई जानती है कि अपराध का ग्राफ किस ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, हम एक ऐसे अपराध की बात कर रहे हैं जिसकी शिकार खुद खाके वर्दी हो गई। मामला मिर्जापुर के विंध्याचल का है, जहां दो युवकों ने शराब के नशे में ड्यूटी से घर लौट रहे होमगार्ड को रेलवे स्टेशन के पास रोककर मारपीट और गाली गलौज की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अरे यार उड़ती मैं अंकल साहब बता रहे मैं चुप रहा तू भाई लोग बोला था तू ना चुप रहा बोले मत सो रहो। हेलो भैया, आप थाने विंध्याचल स्टेशन पे आ जाइए, बस विंध्याचल स्टेशन पे आप विंध्याचल थाना और काम दादी काम। ये आपके ब्लॉक का आदमी है, होमगार्ड है, ये दारू पे के हम जा रहे थे, बदतमीजी बोला इसको मारे हैं दो पड़ाका। भैया दारू पिया हुआ है, अब जा रहे हैं, बदतमीजी बोला और करा है। जी सर कितना टाइम में सब पहुंच जाएंगे बताइए आप। सर ये देखिए आपके विभाग का आदमी वर्दी पहना हुआ है सर। हमने क्या काम मैं कोई सब मिट्टी छूट जाएगी चल जल जा तू तो उड़ दू दरअसल होमगार्ड नंदलाल यादव की ड्यूटी विंध्याचल में लगी हुई थी। ड्यूटी समाप्त कर वो अपने घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए स्थानीय रेलवे स्टेशन जा रहा था। स्टेशन के पास रास्ते में ही उसे दो शराबियों ने जबरन रोक लिया और उसके साथ अभद्रता करते हुए उसकी पिटाई की। होमगार्ड अपनी ट्रेन खड़ी होने की दुहाई देते हुए उनसे छोड़ने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद बदमाशों ने उसकी एक नहीं सुनी। ड्यूटी स्टेशन जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें रोका, हमसे काम कर रहे मेटल खड़ी है, उसने खड़ा करके मार दिया। काहे के मारा कुछ तो ये लोग नहीं सर कुछ नहीं पता काहे के लिए, लेकिन तुम रोक के तुम मार के वर्दी तुम मार दिया सर। तो वो लोग क्या पिए हुए थे क्या दारू? सर वो लोग दारू पी के दो आदमी थे तो पी के लूटे थे सर। तो आप थाने जा रहे हैं? हाँ सर थाने जा रहे हैं। अब कहाँ चोट लगाया आपको? सर गाल मारे गाल चोट लगाया सर। ड्यूटी पर पहुंचे होमगार्ड कमांडेंट ने कहा कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है और इस मामले को मिर्जापुर पुलिस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर क्षेत्राधिकारी प्रभात राय ने कहा कि वीडियो के आधार पर पुलिस ने होमगार्ड की शिकायत दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो वायरल, ये वीडियो कल रात का है, 2 बजे से 10 बजे तक ड्यूटी थी नंदलाल यादव, ये बहुत अच्छा लड़का रहा है और ये प्रशासनिक भवन विंध्याचल में उसकी ड्यूटी लगी थी। यहाँ से ड्यूटी करके वो स्टेशन जा रहा था अपनी गाड़ी पकड़ने के लिए घर जाने के लिए, और दो लोग उसको वीडियो में जैसा कि देख रहे हैं नशे के हालत में खुद है और होमगार्ड को बता रहे हैं कि नशा है, ऐसा है नहीं। और उन लोगों ने होमगार्ड पर वर्दी जबकि पहना हुआ है उस पर उन्होंने हाथ छोड़ा, ये कुछ भी हो उन्हें कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और हम होमगार्ड को पिटाई कर रहे हैं। इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर पर हम कभी ये मिर्जापुर प्रशासन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। होमगार्ड के एक जवान के साथ दो व्यक्तियों ने
मारपीट गाली गलौज किया है। इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना विंध्याचल पर होमगार्ड के जवान के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया एवं दो व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। साथ ही साथ उन दोनों व्यक्तियों द्वारा होमगार्ड के जवान पर कतिपय आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में जिला कमांडेंट होमगार्ड को भी अवगत करा दिया गया है कि वह इन आरोपों के संबंध में जांच कर लें। प्रदेश प्रशासन और पुलिस की ओर से अपराध को कम करने की पूरी कोशिश तो जारी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर लोगों के मन में ये भी कहीं न कहीं सवाल उठने लगते हैं। जब खाके ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से बृजलाल मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।